संबल की बेटी अंशु राघव का PCS में हुआ चयन। जनपद संबल का किया नाम रोशन। जनपद संबल की तहसील चंदोसी के गांव औरंगपुर सिलेटा की अंशु राघव का चयन PCS परीक्षा 2018 में असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स ग्रेड 2 के पद पर हुआ है। अंशु राघव ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अंशु की प्राइमरी शिक्षा अपने गाँव सिलेटा के सरकारी विद्यालय से हुई है। हाई स्कूल की परीक्षा BMC इंटर कॉलेज तथा इंटर की परीक्षा OPGM इंटर कॉलेज से की। अंशु राघव बचपन से ही मेधावी रही। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ते हुए उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। अंशु ने यह परीक्षा कड़ी मेहनत व संघर्ष से प्राप्त की। उनका सपना IAS बनने का है, उसके लिए वे तैयारी में जुटी हैं। समाज के वांछित दुर्लभ वर्गों एवं महिलाओं के लिए कार्य करना अंशु राघव की प्राथमिकता रहेगी। वे अन्य ग्रामीण लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहती है। वे कहती है कि लड़कियों को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अंशु राघव महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी है। महिलाओं को उनसे सीखना चाहिए कि गांव से निकलकर बुलंदियों तक किस तरह पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा और कभी भी हार नहीं मानी, और अंशु राघव ने वो मुकाम हासिल किया जो कि महिलाओं के लिए गर्व की बात है। कुशल पाल सिंह, आपकी बेटी ने जो PCS में सिलेक्शन हुआ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। मेरे दो बच्चे, क्या कहेंगे आप बिटिया के लिए? बस बिटिया ने मेरा नाम रोशन किया है, बहुत 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 उसके लिए बधाई है मेरी तरफ से। और जो बेटियाँ जो नहीं पढ़ पा रही हैं, पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? उन्हें पूरा यही है कि कैसे भी करके हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा है समाज में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेटियाँ जाएँ। और बेटी से भी यही है कि जितनी भी बेटियाँ मिलें और उनसे यही कहो कि आए को पढ़ें और इसी उस पर पहुँचें, बड़ी अच्छी बात है। यही मेरा कहना है इससे भी, अपने बच्चों से भी। अंशु राघव, अंशु जी, आपका PCS में सिलेक्शन हुआ है जी। बताएंगे कैसे आपको प्रेरणा मिली यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपने कितनी मेहनत की है? जी, प्रेरणा तो मुझे मेरे बड़े भैया से ही मिली ज़्यादातर, बट फिर भी जब मैं BHU में एडमिशन मुझे मिला तो वहाँ जाके मुझे लगा कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से किया और फिर दिल्ली से मैंने सिविल सेवा की तैयारी की है। अभी आपका PCS बनने के बाद क्या सपना है, क्या करना चाहती हैं आप समाज के लिए? समाज के लिए मैं यही करना चाहूँगी, सबसे पहले तो महिलाओं के लिए करना चाहूँगी कि समाज में जो महिलाओं के लिए अभी उतने अवसर नहीं प्रदान किए जाते, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को पूरे तरह से अवसर प्रदान किए जाएं। महिलाओं को भी पढ़ाई लिखाई नौकरी में पूरे तरह से अवसर मिले, मैं उनके लिए कार्य करना चाहूँगी। PCS में जब आपको सिलेक्शन हुआ, आपको पता चला कि मेरा सिलेक्शन हुआ, तो कैसा महसूस किया आपके और आपके परिवार ने? जी, बहुत ज़्यादा बहुत खुशी हुई। सबसे ज़्यादा बस ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए सबसे बड़ा दिन यही है, घर वालों के लिए भी और मुझे भी। अच्छा, और छात्राओं के लिए, बेटियों के लिए देश की क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं छात्राओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि खुद को कमजोर ना समझें। अगर हम पढ़ लिख के आर्थिक रूप से सशक्त हो पाते हैं तो हम भी समाज में उतनी भागीदारी निभा सकते हैं जितना एक पुरुष निभा सकते हैं।